नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोजपा रामविलास के सभी प्रवक्ताओं को हटा दिया गया है। जी हां, आपको बताएं कि लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को हटा दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि इन दिनों शराबबंदी से जिस तरीके से मौतें हो रही हैं और विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार नीतीश कुमार पर, उनकी पार्टी पर हमले किए जा रहे हैं, वहीं लोजपा रामविलास के पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो सही तरीके से अपने पार्टी का पक्ष नहीं रख पा रहे थे शराबबंदी मामले में, और इसीलिए अब एक कड़ा एक्शन लेते हुए सभी प्रवक्ताओं को हटा दिया गया है। और ये भी सूचना दी गई है कि जल्द ही पार्टी में नए प्रवक्ताओं की भी नाम की सूची जारी कर दी जाएंगी। अब किन किन प्रवक्ताओं को हटाया गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। बताएं आपको कि बिहार के लोजपा रामविलास ने अभी अपनी सभी प्रवक्ताओं, प्रदेश के प्रवक्ताओं, पैनलिस्टों और मीडिया प्रभारी को तत्काल रूप से हटा दिया है, जिसको लेकर के पार्टी की तरफ से प्रेस विज्ञापित भी जारी की गई है, जिसमें हटाए गए पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं। वहीं इस विज्ञापित में यह भी बताया गया है कि पार्टी अपने नए प्रवक्ताओं, पैनलिस्टों और मीडिया प्रभारियों की सूची जल्द ही जारी करेगा। चिराग की लोजपा रामविलास में बिहार में मीडिया प्रभारी, 2 सह मीडिया प्रभारी, 6 प्रवक्ता और 13 पैनलिस्टों को हटाया। मीडिया प्रभारी से कृष्ण कुमार कल्लू और सह मीडिया प्रभारी से निशांत मिश्रा तथा रवि रंजन कर्ण को हटाया गया है। वहीं अशरफ अंसारी, सुरेंद्र विकास, विवेक, राजेश भट्ट, अजय कुशवाहा, अमर आजाद और विनित सिंह को प्रवक्ता से हटाया गया है। साथ ही साजेश पासवान, अमर सिंह कुशवाहा, नरेश प्रसाद, शोभा सिंह पासवान, संगीता तिवारी, राकेश रोशन, कृष्ण सिंह कल्लू, राजेश वर्मा, अभय सिंह, विकास मिश्रा, वेद प्रकाश पांडे, चंदन सिंह और सुरभि ठाकुर को पैनलिस्ट पद से हटाया गया है। इन सभी को हटाने की वजह पार्टी का पक्ष सही से नहीं रखना बताया जा रहा है। तो इस तरीके से बताया आपको कि इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लोजपा रामविलास की तरफ से जो भी प्रवक्ता थे लोजपा रामविलास के, उन सभी प्रवक्ताओं को हटा दिया गया है, और वजह दिया गया है कि वो अपनी पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, उनकी पार्टी जो कहना चाहती थी वो सही से वो रख नहीं पाते थे मीडिया के सामने, जिस वजह से पार्टी एक बड़ी पार्टी नहीं बन पा रही थी। इन दिनों जिस तरीके से उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में भी जहां पूरी जोरों शोरों से लोजपा ने ये ऐलान किया था कि इस बार उनकी सरकार बनेगी, बड़ी पार्टी बनकर लोजपा उभरेगी, वहीं इस बार भी लोजपा को उस तरीके के मत नहीं मिले, उतना लोगों का समर्थन नहीं मिल पाया, और इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं प्रवक्ताओं को भी बताया जा रहा है। और इसीलिए लोजपा ने एक कड़ा एक्शन लेते हुए सारे प्रवक्ताओं को हटा दिया है और जल्द ही नए प्रवक्ताओं की सूची जारी करने की बात भी कह दी है। और वैसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।